और सूरजपुर का एक किसान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। नार साय नाम के इस किसान ने अपनी पुश्तैनी जमीन को पुलिस विभाग को दे दिया है ताकि वहां थाना बन सके और उनकी इस पहल की हर जगह सराहना हो रही है। आपको बता दें कि नार साय बेहद गरीब परिवार से हैं और अगर वो चाहता तो जमीन बेचकर काफी पैसे कमा सकता था, लेकिन उनके इलाके में शांति के लिए ये कदम उठाया गया है। दरअसल उमेश्वरपुर पुलिस चौकी की स्थापना 4 साल पहले की गई थी, लेकिन थाना भवन नहीं बन पाया था जिसकी वजह से स्वास्थ्य केंद्र में अस्थायी रूप से थाना चलाया जा रहा था। अब नार साय ने जिला कलेक्टर और SP को लिखित आवेदन देकर अपनी 3.5 एकड़ जमीन देने का निवेदन किया है। मैं मेश्वरपुर ले मतलब वो चौकी ला हटा रही तो हमार पुराना जगह जमीन यहाँ हमार राजा दादा मन छोड़ रखी है तो वो चौकी ला मैं लाने पर कोशिश करत हूँ। यहाँ मोर जगह है 3 एकड़ वहाँ मैं चौकी ला देहत हूँ। यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक जमीन देने का अपना निर्णय बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, सराहनीय बनाया है और भविष्य में चल के इस गाँव का विकास होगा, आगे लोग बढ़ेंगे। ये सब यहाँ पंडोर जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये अपने लगभग 3.5 एकड़ जितनी जमीन है वो वहाँ पे उमेश्वरपुर में जो प्रस्तावित पुलिस चौकी है उसके लिए स्वेच्छा से वो सहयोग और दान देना चाह रहे थे। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तरह से एक अपनी बेशकीमती जमीन को वो पुलिस। तो मामला पूरा सूरजपुर का है जहां पर एक किसान ने पुलिस थाने बनाए जाने को लेकर अपनी जमीन दान देने की बात कही है। आपको बता दें कि इसको लेकर लिखित आवेदन भी दिया है और किसान का कहना है कि गांव में शांति बनी रहे जिसके चलते यहां पर थाना होना जरूरी है, जिसके चलते किसान ने अपनी जमीन दान देने की बात कही है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिलशाद अहमद हमारे साथ में जुड़ गए हैं संवाददाता। दिलशाद, किसान की सराहना तो करनी ही चाहिए पर यहाँ पुलिस विभाग पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों पुलिस थाना नहीं बनाया गया अभी तक? ये बताना चाहूँ जमीन के हालात न होने के कारण, अभी वहाँ पे व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पे अभी तक चौकी व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया था। एक व्यवस्थित रूप में एक जगह पे बना दिया गया था चौकी, लेकिन वो भी स्वास्थ्य वहाँ पे बना दिया गया था लेकिन वहाँ पे हटाने के दबाव आ गया था, जिसको लेकर वहाँ पे चौकी को इधर हटाने की भी बात चल रही थी, जिसको लेकर वहाँ का जो ग्रामीण था वो आज सामने आया और वहाँ पे चौकी रहे इसके लिए लेकर उसने अपने जमीन को भी वहाँ पे पुलिस विभाग को देने का मन बनाया है। देखा, इससे पहले पुलिस चौकी बनने की बात भी कही गई थी तो उसको कितना वक्त हो गया है? जी, पुलिस चौकी बने 1 साल करीब हो गया है। पुलिस चौकी जो चौकी का उठाना है 1 साल पहले जो हुआ था तत्कालीन जो थे जायसवाल उनके द्वारा ही वहाँ पे इसका किराया गया था और 1 साल होने के बाद अभी तक वहाँ पे चौकी व्यवस्थित रूप से नहीं होने के कारण वहाँ से हटाने की बात चल रही थी, जिसको लेकर वहाँ के जो ग्रामीण है वो सामने आया और जमीन देने की बात कही। शायद और किसान का ये भी कहना है कि गांव में शांति बनी रहे इसीलिए पुलिस चौकी का होना काफी जरूरी है, तो उसके पीछे क्या कुछ कारण है? क्या गांव में कुछ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं जिससे अशांति फैले? जी, बताना चाहूंगी कि वहाँ पे दूरी है, दूरी के कारण ही जहाँ पे कोई मामला भी सामने आता है तो वहाँ पे थाना पहुंचने में जो प्रेमनगर थाना पर दूरी है उस कारण बने। वहाँ पे एक दो तो ऐसा एक हत्या भी हुआ था, मर्डर जो उसका वहाँ पे जो उसके कारण भी वहाँ गाँव वाले लोग दहशत में रहते थे और वहाँ गाँव वाले चाहते हैं कि यहाँ पे चौकी व्यवस्थित है जिससे यहाँ पे शांति बना रहे, पुलिस रहेगी तो कोई वारदात की बड़ी घटना भी नहीं हो पाएगी। जैसे गांव में पुलिस होने के कारण गांव के लोगों में भी एक अच्छी रहता है कि पुलिस चौकी है तो यहाँ की कोई बड़ी घटना ना हो सके। जी बिल्कुल दिलशाद, और जो किसान द्वारा उठाया कदम है वो काफी ज्यादा सराहनीय है और लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।